नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए शहर में अपनी वैगन आर को धुलवाने के लिए। हमने बहुत से सर्विस स्टेशनों पर देखा जहां पर हमें गाड़ी वॉश करवानी चाहिए, लेकिन किसी पर एक तो किसी पर दो गाड़ियां पहले से ही खड़ी हुई थी। किसी को टाइम नहीं था इतना कि वो हमारी गाड़ी को ही पहले धो सके। तो हम निकल पड़े किसी ऐसे सर्विस स्टेशन की तलाश में जहां पर कोई भी गाड़ी ना खड़ी हो, जाते ही हमारी ही गाड़ी को वो धोने लग जाए। तो हमें बहुत सी मेहनत करने के बाद मिला एक राधे राधे सर्विस स्टेशन। इस सर्विस स्टेशन पर गाड़ियां तो क्या, इंसान भी नहीं थे यार। लेकिन जब हमने गाड़ी यहां पर ऊपर चढ़ाई तो दो आदमी निकल आए थे। उन्होंने पूछा कि क्या करवाना, तो हमने बताई कि अच्छे से गाड़ी धुलवानी है और अंदर बाहर से सारे से सफाई करवानी है। तो इन्होंने कहा कि गाड़ी से उतर जाओ और सामान बाहर निकाल लो। तो इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। मैं सर्विस स्टेशन से थोड़ा सा इस तरफ आ गया हूँ जहाँ पर नहर है और ये रास्ता मंदिर की ओर जा रहा है। ये सर्विस स्टेशन है और ये तभी तक गाड़ी को अच्छे से धो देंगे। तो भाई पूरा एक घंटा इन्होंने ले लिया है और एक घंटे के बाद इन्होंने गाड़ी साफ़ सुथरी करके कह दिया है कि आप इसे ले जा सकते हैं। और इन्होंने हमसे गाड़ी को अंदर बाहर से सारे से साफ़ सफाई करवाने के 200 रुपये लिए हैं। गाड़ी को अच्छे से धुलवाने के बाद हम आ गए हैं घर, लेकिन हम सीधा घर नहीं आए हैं। पहले हम गए थे स्कूल और आपको पता ही होगा कि हम स्कूल क्यों जाते हैं, यश और परी को लेने के लिए। परी आज स्कूल नहीं गई थी तो हम यश को लेके आए हैं। यश गया था तो यश ही आएगा, वही, ये तो सिंपल ही बात है। अब गाड़ी को अंदर कर देते हैं और अंदर करने से पहले इसमें से यश को उतार लेते हैं। उतरो भाई यश। यस उतर गया और वीडियो में आपको कल बता